बेरोजगारी सबसे ज्यादा, गरीबी सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा। हाथ उठा करके बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जूली, आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं की आवाज उठाई है और नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि जब राज्य में इतनी ज्यादा बेरोजगारी है तो इसके लिए आखिर बिहार सरकार ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं, कितने कारखाने खोले गए हैं, कितने लोगों को अब तक रोजगार दिया गया है। और इसके साथ ही उन्होंने पलायन जैसे मुद्दे को भी एक बार फिर से उठाया है और पूछा है कि इन सब चीजों को रोकने के लिए आखिर बिहार सरकार क्या कर रही है। पहले सुनिए आपके तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। बेरोजगारी सबसे ज्यादा, गरीबी सबसे ज्यादा, पलायन सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा, अपराध सबसे ज्यादा, किसान की सुनवाई नहीं, गरीब का पूछ नहीं, सब लोग तबाह हैं, एक कारखाना नहीं है, क्या है फिर बिहार में? अरे बिहार के लोगों, दरभंगा के लोगों, मिथिलांचल के लोगों, देवीपुर के लोगों, हाथ उठा करके बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, अस्पताल स्कूल कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, पलायन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, महंगाई भाजपा वाले लोग पहले प्याज का भाना ले लेके गीत गाता था, महंगाई गायन खाई जाता। आप पेट्रोलवा 100 रुपया से पार है, डीजल ऊपर है, गैस चूल्हा 1000 से ऊपर है, हर चीज महंगा हो गया है, किसान को खाद नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा है, जीवन तबाह हो चुका है, परीक्षा होता है तो कदाचार हो जाता है, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, मैट्रिक का परीक्षा में बताओ नीतीश जी सनी योनि कैसे पास कर गए, कोई परीक्षा बताओ, मेरिट वाला को कुछ नहीं मिलता है, जो चढ़ावा दे दिया उसको पीछे से बिना एग्जाम लिए हुए घुसा देता है, थाना जॉब लोग जो क्या होता है देगा, लक्ष्मी जी के चढ़ावे के कोनो काम नहीं होता, भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अरे भाई, और सरकार कहती है कि हमने काम किया। तो तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मेरिट वाले लोग पीछे रह जाते हैं और जो लोग लक्ष्मी जी का चढ़ावा चढ़ाते हैं वो आगे निकल जाते हैं। सीधे तौर पर घूसखोरी का आरोप उन्होंने बिहार का जो प्रशासन है उस पर लगाया और इसके साथ ही बेरोजगारों को लेकर के उन्होंने नीतीश सरकार को जमकर घेरा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।